हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस, इंडियाज बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। मेरा नाम मनिंदर है और मैं पंजाब सिविल सर्विसेज रैंक 36 के साथ साथ आईएएस अभिमन्यु आईएएस में एज अ फैकल्टी हूँ। हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है, जैसे आपको पता है, इशू एंड एनालिसिस की सीरीज, और इसी सीरीज के अंदर आज हम एनवायरनमेंट में से टॉपिक करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूँ कि अभिमन्यु आईएएस नए बैचेस स्टार्ट कर रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन, आप उनको भी एनरोल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक बड़ा स्पेशल टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक ह्यूमन स्पीशीज के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है क्लाइमेट चेंज। तो आज हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या है, इसके क्या रीजंस हैं और क्या गवर्नमेंट्स कर रही हैं इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये जो सवाल है क्लाइमेट चेंज का, ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके यूपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम या फिर आप जैसे कुछ और स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज सबसे पहले चीज़ आपके पास एक इमेज आ रही है, एक इट्स अ यू नो मीम अगर हम बोलते हैं आज की जार्गन के अंदर। तो एक पोलर बियर है और इसको कोई बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज तो कुछ नहीं होता यार, ये सब पॉलिटिक्स है। लेकिन अगर आप इसको पूछो तो ये कहेगा ओ गॉड टेल मी नाउ कि वेदर ये पॉलिटिक्स है या नहीं है। अभी रिसेंटली आईपीसीसी ने अपनी सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश की है और उसका नाम भी ये रखा है कि फिजिकल साइंस बेसिस, मतलब कहने का है कि क्लाइमेट चेंज एक रियालिटी है और इस रियालिटी को फिजिकल साइंस बेसिस के ऊपर हमने प्रूफ भी कर दिया है। इनफैक्ट नोबेल प्राइज इस बारी क्लाइमेट साइंटिस्ट्स को मिला है जिन्होंने ये अपनी जर्नी के अंदर इन्होंने प्रूव किया है कि क्लाइमेट चेंज एक एक्चुअल रियलिटी है और इसके पीछे प्रॉपर डेटा और साइंस इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज? देखिए, क्लाइमेट चेंज का बेसिकली मतलब है कि हमारे अर्थ का जो क्लाइमेट है ये मतलब हॉट होता जा रहा है, वेदर इज बिकमिंग हॉट, क्लाइमेट इज बिकमिंग वार्मर। और ये वार्म क्यों होता जा रहा है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज होता जा रहा है और ये इंक्रीज जो हो रहा है ये पिछले 200-250 सालों से ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। तो इसका मेन रीज़न है ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैसेज या ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, उसका रीज़न ये है कि जैसे आपको पता है कि हमारा जो वो है क्या नाम है सूरज है, तो वहाँ से जो रेज निकलती हैं वो रेज जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती हैं तो वो एटमॉस्फेयर में आने के बाद जब वो वापस जाती हैं तो वो ट्रैप हो जाती हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर आप गर्मी ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि गाड़ी में जो रेज जाती हैं सूरज की तो वो बिकॉज ऑफ द ग्लास वो वापस नहीं आ पाती, जिसकी वजह से वो गाड़ी के अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं, तो गाड़ी भी गर्म हो जाती है। तो वैसे सिमिलरली हमारी अर्थ के ऊपर भी जो एटमॉस्फेयर है वो एक ग्रीन हाउस का काम करता है और उसकी वजह से ये गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर एक छोटा सा डेटा है हमारे पास, ये डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अगर हम ये डेटा 1860 से लें यानी कि 1860 ऑनवर्ड अगर डेटा देखें और 2020 तक ये डेटा जा रहा है और ये जो डेटा है ये एवरेज टेम्परेचर्स हैं अर्थ के, तो अगर हम देखते हैं 1860 यानी कि ऑलमोस्ट 200 ईयर्स बैक की बात है, तो 1860 ऑनवर्ड अगर देखो तो एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है इट इज़ एक्चुअली शूटिंग अप। कैन यू सी दिस डेटा? या तो एवरेज टेम्परेचर शूटिंग अप है और जो मेजर इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है वो 1920 और 1940 के बीच में देखने को मिली है और उसके बाद धीरे धीरे करके शूट कर रहा है और अब ये टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1 डिग्री सेल्सियस तक 2019 में पहुंच चुका है। मतलब अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है तो ये ऑलमोस्ट 16 डिग्री सेल्सियस पे हमारी जो मदर अर्थ है वो पहुंच चुकी है। और ये ही जो डेटा है, ये एवरेज टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, इसी डेटा के साथ एक और डेटा हमारे पास है, ये डेटा है अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे वो सन रेज को जो ट्रैप कर लेती हैं अपने एटमोसफेयर में। तो अगर हम वही डेटा को इस पे एक्स्ट्रापोलेट करके इसको सुपर इम्पोज करें तो आप देख रहे हो कि कैसे 1980 ऑनवर्ड्स हमारी जो मेजर कार्बन डाइऑक्साइड है
जो ग्रीन हाउस गैस है हमारी, ये 1980 ऑनवर्ड्स कैसे इसका पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और ऑलमोस्ट आप देखो कि 500 ईयर्स जब जीरो ईयर था 500 AD, 1000 AD, 1500 AD, और यहाँ पे कहीं 1800 आ गया। तो आप खुद देख रहे हो कि 1800 तक तो ये बैलेंस में था, लेकिन 1800 ऑनवर्ड्स एक जे कर्व बनता जा रहा है और एकदम शूट कर गई है ग्रीन हाउस गैसेस। तो अगर मैं ये दोनों डेटास को कंपैरिजन करूं तो 1800 ऑनवर्ड्स एक तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और 1800 ऑनवर्ड्स ही हमारी ग्रीन हाउस गैसेस में भी इंक्रीज आ रहा है। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं एक पैटर्न को डिफाइन करती हैं, और ये पैटर्न है कि जैसे जैसे हमारी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे ही हमारे ग्लोबल टेम्परेचर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो आई होप ये तो आपको बहुत ही ईजिली समझ आ रहा है इस डेटा से। अब 2019-20 में काफी ऐसे कमीशन ऐसी रिपोर्ट्स लेके आते हैं, जैसे अगर हम बात करें एमिशन गैप रिपोर्ट की, ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम लेके आता है जो सेम ऑर्गेनाइजेशन है जिसने UNFCCC को ऑर्गेनाइज किया था बैक इन द डे। इस रिपोर्ट के अंदर भी प्रॉपर हाईलाइट किया गया है कि अर्थ जो है वो और वार्म होती जा रही है, और ये जो 1 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है ये बढ़ के 2.5 या 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा एट द एंड ऑफ द सेंचुरी, और अगर हमने इस चीज को नहीं रोका और बिजनेस एज यूजुअल चलता रहा तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिजास्टरस फॉर ह्यूमन स्पीशीज। इनफैक्ट हमारी एग्जिस्टेंस का सवाल है ये। अगर हम बात करें WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी एक रिपोर्ट लेके आती है जिसको बोलते हैं द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट, और इस स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट में इन्होंने भी कुछ हाइलाइट्स दी हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो नए रिकॉर्ड सेट कर रही हैं एवरी ईयर। अगर हम बात करें 2018 के ग्लोबल टेम्परेचर को तो वो ऑलरेडी 1 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ऊपर जा चुका है। ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं ग्लेशियर्स। आर्कटिक और एंटार्क्टिका की जो सी आइस है वो डिक्लाइन कर रही है। ओशन का जो हीट है, मतलब हमारे समुद्रों में जो हीट है वो बढ़ती जा रही है, सो ओशन हीट इज एट रिकॉर्ड हाई। अगर हम बात करें पास्ट 4 इयर्स की तो पिछले 4 साल में सबसे हॉटेस्ट ईयर जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है ऑन रिकॉर्ड। तो ये WMO और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की एमिशन गैप रिपोर्ट एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है भारत के अंदर और दुनिया के अंदर व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज उसको बहुत ही ब्यूटीफुली रिफ्लेक्ट करती है। और ये ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर ग्रीन हाउस गैस कॉमनली ही जो है वार्म करती है। हर एक ग्रीन हाउस गैस की ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल डिफरेंट होती है। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मान लें तो मीथेन की ज़्यादा होती है, और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड की उससे ज़्यादा, और फ्लोरिनेटेड गैसेज की बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर ही क्यों फोकस करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ अ लार्जर रोल। और अगर आप इस पाई चार्ट के पर फोकस करें तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है टोटल ग्रीन हाउस गैसेस का 76% होता है, तो इसी वजह से गवर्नमेंट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर फोकस करती हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि मीथेन के ऊपर नहीं करना, इनफैक्ट एक मीथेन प्लेज की बात की है इस बारी जो ग्लासगो में डील हुई थी हमारी जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो वो भी इसमें चीज चलती है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है कार्बन सोर्स और एक होता है कार्बन सिंक। हम दोनों चीजों में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हम कार्बन सोर्स मतलब CO2 का सोर्स भी बढ़ा रहे हैं और हम उस CO2 को कंज्यूम करने के लिए जो सिंक है, जो हमारे फॉरेस्ट हैं, उनको भी हम खत्म कर रहे हैं। तो एज वी आर इंप्रूविंग द सोर्स एंड रिड्यूसिंग द सिंक द कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग अप, जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। तो इसमें आप देखो तो हमने डिफॉरेस्टेशन कर दी है, उसकी वजह से इतना कार्बन डाइऑक्साइड एडिशनली रिलीज हो रहा है। हमने जो है फॉसिल्स बर्न किए उससे ये रिलीज हो गया, लेकिन मेजर जो सिंक है वो खत्म होता जा रहा है। तो सोर्स भी बढ़ रहा है और सिंक भी कम हो रहा है, जिसकी वजह से एडिशनल CO2 हमारी एटमोसफेयर में जा रही है। अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को ये देखें सेक्टर वाइज देखें तो आप ये देख पा रहे हो कि सबसे ज्यादा सेक्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब हमारे थर्मल प्लांट्स, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का पूरा प्रोग्राम ऑलमोस्ट आप देखो 25% हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्टर में जा रहा है। इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है, खेती बाड़ी सेक्टर आ जाता है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारी गाड़ियां, हमारी बसेस, हमारे रेल्स, ये सारे नेटवर्क भी ग्रीन हाउस गैसेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बात हुई
दैट ग्रीन हाउस गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है. क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने एज अ ह्यूमन स्पीशीज दैट ये क्या इफेक्ट करेगी हमें. तो इसके बहुत इफेक्ट्स हैं, इसके सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के. अगर हम बात करें कि लोग रिलोकेट हो जाएंगे, हमारे हार्वेस्ट की प्रोडक्टिविटी श्रिंक हो जाएगी, हमारे प्राइसेस जो है वो राइज हो जाएंगे जब सप्लाई खत्म हो जाएगी, एक्सट्रीम मेट्रोलॉजिकल फिनोमिनाज जैसे डिजास्टर्स होने शुरू हो जाएंगे, बीमारियां फैलेंगी जब टेम्परेचर्स बढ़ जाएंगे और ऐसे ऐसे एरियाज में फैलेंगी जहां पे अभी तक वो कभी वहां पे बीमारी थी नहीं, फ्रेश वाटर में शॉर्टेजेस आ जाएंगी. इनफैक्ट जब रिसोर्स में ऐसी डिविजन हो जाएंगी तो लोग जंग पे जाएंगे, सो वॉर्स होंगे जिसको क्लाइमेट वॉर्स बोलते हैं. काम करने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी इंसान की बिकॉज हायर टेम्परेचर्स में काम करना मुश्किल हो जाता है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी कोस्टल सिटीज हैं उनके लिए अडेप्ट करने की कॉस्ट काफ़ी लेवल तक बढ़ जाएगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इमेजेस में देखो, ये 2008 और 2003 की फिगर्स हैं ऑफ अ सेम ग्लेशियर. अगर आप 2003 की ग्लेशियर की फिगर देखते हो तो यू कैन वेल इमेजिन कि कितना ग्लेशियर का लेवल है यहाँ पे, लेकिन सेम 5 साल बाद ग्लेशियर लेवल कम हो गया है. तो देखो कैसे ग्लेशियर्स हमारे रिट्रीट करते जा रहे हैं. इनफैक्ट अगर आज 2020 में देखोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये ग्लेशियर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा. तो ऐसी सिचुएशंस में हम लेके जा रहे हैं हमारी मदर अर्थ को. तो कैसे रखें हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक, मतलब एक डिग्री तो हमने बढ़ा ही दिया है, अब उसको 1.5 डिग्री तक हम लिमिट कैसे करें जो पेरिस अग्रीमेंट के अंदर इन्होंने डील की है. इसके अंदर बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, हमें रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी पर जाना पड़ेगा जैसे विंड सोलर, हमें एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी पड़ेगी, मतलब सेम एयर कंडीशन को और एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, कम इनपुट के अंदर ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमें फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स को चेंज करना पड़ेगा, जैसे हमें हमारी क्रूड ऑयल यूज करते हैं पेट्रोल डीजल, उसको चेंज करके हाइब्रिड व्हीकल्स हाइड्रोजन व्हीकल्स इनके ऊपर जाना पड़ेगा. हमें वर्कर्स के लिए एक जस्ट ट्रांजिशन चाहिए, हमें एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रीपर्पस करना है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें अपने सिंक को क्रिएट करना है, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लेके आने हैं ताकि ज्यादा सिंक क्रिएट हो और जितनी एडिशनल ये ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम एब्जॉर्ब कर सकें. The question is very simple that how do you prevent global warming? देखिए global warming is coming, no problem, no doubt about it. Global warming is coming. In fact, it's not just coming, it's there. हमें अब क्या करना चाहिए? Definitely दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, एक होता है mitigation और एक होता है adaptation. Mitigation का मतलब क्या है? Mitigation का मतलब है कि temperatures तो बढ़ेंगे लेकिन कोशिश की जाए कि वो इतने ना बढ़ सकें, तो हम ऐसे initiatives लें ताकि हम जो टेम्परेचर की राइज है उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें. और सेकेंडली अगर हम इसको रिड्यूस नहीं कर पाए तो हमें अपनी जिंदगी को कैसे डिजाइन करना है, मतलब हायर टेम्परेचर कंडीशंस के अंदर हम कैसे रह सकते हैं. यानी कि पहला केस है मिटिगेशन का कि आपको टेम्परेचर बढ़ने ही नहीं देना, और इनकेस आप टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपके हाथ में नहीं है ये सारी चीजें तो आप कैसे उस चीज को अडेप्ट करते हो, वो सारी चीजें आ जाती हैं हमारी अडेप्टेशन के अंदर. तो हमें मिटिगेशन के ऊपर भी फोकस करने का है और डेफिनेटली हमें अडेप्टेशन के ऊपर भी फोकस जो है वो करने का है. व्हाट डू वी नीड, क्या क्या चाहिए अभी हमें? हमें टेक्नोलॉजीज चाहिए, हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज चाहिए जो हमें मिटिगेशन और अडेप्टेशन में हेल्प करे. हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, हमें न्यूक्लियर पावर चाहिए, हमें डेफिनेटली कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज यूटिलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स चाहिए जो आइसलैंड बहुत ब्यूटीफुली कर रहा है, और डेफिनेटली हमें एफिशिएंसी गेन्स और फ्यूल स्टोरेजेस ये सब चीज़ें चाहिए. अब ये प्रॉब्लम एक ये देखने को मिल रही है कि ये सारी टेक्नोलॉजीज जो है वो अमीर देश जो है रिच कंट्रीज में बन रही हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट दिस इज गोइंग टू अफेक्ट एवरीबॉडी. तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डील्स भी करनी पड़ेंगी, ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नेगोशिएशंस भी करनी पड़ेंगी कि कैसे एक रिच कंट्री एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके एक पुअर कंट्री को दे सके. तो दिस इज ऑल्सो वी नीड टू टॉक अबाउट. डेफिनेटली हमें एक ग्लोबल कंसेंसस चाहिए, दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, हमें ग्लोबल कंसेंसस चाहिए. लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि ग्लोबल कंसेंसस बहुत ही हाई लेवल पे मिसिंग है. और लास्ट हमें पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए टू यू नो टू प्रमोट ऑल दीज टेक्नोलॉजीज एंड एवरीथिंग. रिसर्चर को पैसा चाहिए ताकि वो ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आ सके. तो
क्या आपको लगता नहीं कि इस चीज के ऊपर आज तक कोई काम नहीं हुआ? The answer is no. काम हुआ है. ग्लोबल कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई 1992 में, जब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस लगाई गई, UNFCCC. ये कॉन्फ्रेंस आपको पता होना चाहिए कि रियो में लगाई गई थी, रियो डी जेनेरियो, जो वहां ब्राजील की कैपिटल है, और वहां पे ये लगाई गई. और वहां पे एक समिट होती है, उसका नाम है अर्थ समिट. ये जो अर्थ समिट है, उसके अंदर डिक्लेरेशन किया गया कि हम एक साथ होके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. हम एवरी ईयर वी विल मीट इन द मंथ ऑफ दिसंबर, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी और वहां पे मिलके हम इस चीज को सॉल्व करेंगे. तो ऐसी एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें की, जैसे बायोडाइवर्सिटी के लिए अलग, तो ये पूरी समिट, रियो समिट हमने बुलाई. इसके अलावा हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात की है दुनिया में, कि ऐसे 17 गोल्स हैं जिसको पूरी दुनिया इंप्लीमेंट करेगी बाय 2030. एंड वंस वी अचीव व्हाट यूएनएफसीसी ने बोला और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने बोला, वंस वी अचीव दीस, तो डेफिनेटली हमारी जो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है क्लाइमेट चेंज को फाइट करने का, काफी हद तक ईजी हो जाएगा. इसके अलावा कंट्रीज में भी डिवीजन है, जैसे ऐसा नहीं है कि हर कंट्री जो है सेम प्रोडक्शन कर रही है, अलग कंट्री का अलग लेवल है. फॉर एग्जांपल अगर हम सोवियत यूनियन की बात करें तो उन्होंने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की है, चाइना हैज बीन डूइंग इट अ लिटिल लेस, एंड हमारा भारत बहुत ही कम कर रहा है. सो डिपेंडिंग अपॉन आपकी इंडस्ट्री किस टाइप से है, आपकी इकोनॉमी किस टाइप से है, आपका वो काम चलता है. अब देखो यूएस की, देखो पर कैपिटा एमिशन देखो, इट इज ऑलमोस्ट 16.5 यू नो पर कैपिटा एमिशन, और इंडिया की जस्ट 1.7. सो ऐसा नहीं है कि जो भारत कर सकता है वो अमेरिका, तो अलग अलग टारगेट्स होने चाहिए. अमेरिका शुड हैव यू नो एग्रेसिव टारगेट्स, इंडिया शुड हैव लेस एग्रेसिव टारगेट्स, तो वो सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं. तो पेरिस अग्रीमेंट भी ऐसा ही है. अब पेरिस अग्रीमेंट में भी इन्होंने सबसे पूछा कि भाई तुम बताओ कि तुम क्या टारगेट लगाओगे, तो फाइनली इंडिया ने भी कुछ टारगेट्स डिजाइन किए, और ये पूरा फोकस ये रहेगा कि 2 डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर को बढ़ने ना दें, और कोशिश हो तो 1.5 डिग्री तक ही रखें. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप ये देखो तो पेरिस अग्रीमेंट के अंदर इंडिया ने टारगेट्स अलग लिए हैं, चाइना ने टारगेट्स अलग लिए हैं, यूएसए ने टारगेट्स अलग लिए हैं, ये सारे टारगेट्स अलग अलग लिए हैं. इंडिया के टारगेट्स की अगर बात करें तो इन्होंने एमिशन इंटेंसिटी को 33-35% रिड्यूस करने की बात की है, पावर कैपेसिटी को 40% नॉन फॉसिल बेस कर देंगे, ऐसी चीजें की डिस्कशन की है. तो कमिंग टू द एंड, सो द एंड इज यू नो नॉट वेरी होपफुल, नॉट वेरी पॉजिटिव, बिकॉज अभी भी डिबेट्स एंड डिस्कशंस चल रही हैं. लास्ट मीटिंग ग्लासगो के अंदर हुई थी और वहां पे मीथेन के ऊपर भी डिबेट हुई कि मीथेन को भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो पॉइंट है कि देखो क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू हैपन, तो एज अ सोसाइटी, एज इकोनॉमी, एज अ यू नो एज अ सिटीजंस ऑफ द वर्ल्ड, वी मस्ट कम टुगेदर एंड पुल आवर गवर्नमेंट्स, कि आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर डेफिनेट स्टेप्स हमें बताइए, आप लोकल लेवल पे स्टेप्स बताइए, रीजनल लेवल पे स्टेप्स बताइए, और नेशनल लेवल पे गोल्स बताइए कि जो हमें इंप्लीमेंट करने हैं. हमने अपने घरों में क्या इंप्लीमेंट करना है, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या इंप्लीमेंट करना है, उस चीज के बारे में बताइए. तो ये था आज का सेशन जो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड था. मेरा नाम मनिंदर है और हम जो है अभिमन्यु आईएएस से आपसे डिस्कशन कर रहे हैं. अगर आपको चैनल, अगर आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. अभिमन्यु आईएएस ने पिछले 23 years में more than 20,000 selections जो है वो दी हैं. आप कोशिश करिएगा, अगर आपको ज्वाइन करना है तो एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फोन नंबर दे रखा है. थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर.